कीर्तन प्रेमियों को हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन है। और जहां तक कि हमारी आवाज जा रही है, निवेदन है कि कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और इस कार्यक्रम में भाग लें। आज की सहयोगी कलाकारा लखनऊ से चलकर पधारी हुई आदरणिया छोटी बहन कोमल क्रोधी तथा उनके मंडल के सभी सक्षम साथियों को हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन है। हमारे चौथे कलाकार जिनकी बहुत ही अच्छी साउंड सर्विस है, क्या बात, भैया का नाम क्या है? महाकाल डीजे। क्या बात है, दो दो महाकाल, एक आगे एक पीछे। हमारा महाकाल, हमारे महाकाल साउंड सर्विस, आपको भी हृदय से वंदन अभिनंदन है। और पांचवे कलाकार, भैया इस मेन माइक की थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें, जो हमारी माता श्री स्वर्गीय रामकली जी की तिरवी तो हो जाएगी, लेकिन इस तिरवी को अमर बनाने के लिए इस तिरवी को अमर हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए हमारे लखनऊ से पधारे हुए हैं हमारे बड़े भैया विजय स्टूडियो जी, जिनका बहुत ही बेजोड़ YouTube चैनल है। और इस YouTube चैनल के माध्यम से आप हमेशा इस कार्यक्रम को कभी भी कहीं पर भी देख सकते हैं। तो उनको भी हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन है। तो आइए समय अधिक न लगाते हुए कीर्तन की कुछ विधाओं को लेकर चलते हुए चलते हैं सर्वप्रथम माँ के आवाहन की तरफ और फिर रात्रि भर सवाल जवाब होता रहेगा। और सामने हमारे मंदिर कल्याणेश्वर महादेव मंदिर है। मैं कल्याणेश्वर महादेव मंदिर को ही दूर से प्रणाम करता हूँ और बाबा भगवान भोलेनाथ से बस यही कामना है कि रात्रि भर हम बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, बिल्कुल, और इस तिवारी परिवार पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। तो चलते हैं माँ के आवाहन की तरफ। बिल्कुल, उमापत महादेव की जय, परम पिता ब्रह्म देव की जय, विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, राज रामचंद्र की जय, भैरव बाबा की जय, तानसेन की जय, सरस्वती माता की जय, भारत माता की जय।
कसरत होती तुमसे ही मैया। छंद चौपाई दोहा ये मुक्तक सवैया और व्याकरण अलंकृत होती तुमसे ही मैया। क्यों? क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये भैया विषय देख ले, आप देख लो भैया, कोई मुट्ठी बांधे बैठा है। हाँ लगता है ऐसा। छंद चौपाई दो ये मुक्तक सवैया व्याकरण अलंकृत होती तुमसे ही मैया। क्योंकि माँ जो जख्म थे दिल के वो भरने नहीं पाए, अरमान मेरे दिल के निकलने नहीं पाए, ये असर उसी माँ की दुआओं का है कि हम टूट तो गए लेकिन बिखरने नहीं पाए। सही सही जी करते गुरु गुरु। अय माँ सकल रस गुणों की, सकल रस गुणों की, सकल रस गुणों की तुम्ही हो खेवैया। सकल रस गुणों की तुम्ही हो खेवैया, भगवती तुम्ही से नारद तुम्ही से कन्हैया। तो माँ माँ ज्ञानी गुणियों ने, ज्ञानी गुणियों ने गाथा बखानी, ज्ञानी गुणियों ने गाथा बखानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। और माँ ग्रंथों ने गाई माँ, ग्रंथों ने गाई माँ तेरी कहानी, ग्रंथों ने गाई माँ और तेरी कहानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। इस संसार में तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। सही। ऐ माँ अगर तुम ना होती तो ये संसार ना होता। सही है उका। ये साहसी ना होता ना तो उधर कोमल क्रोधी होती। गुरु लोग होते अब क्या। अरे गुरु तो गुरु है ही है। ऐ माँ कभी ना बताती है, पना हो जाए। क्या बात है। माँ के चरणों में जीवन क्योंकि अरे कदमों को चूम करके वो मौत भी लौट जात। क्या बात, क्या बात। तो माँ क्या, और ये हमारे बड़े भैया जगदम्बा प्रसाद तिवारी जी गुटहिया, आपकी तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। मैं चाहता हूँ जोरदार ताली से आप सभी लोग, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात तिवारी, हमारे तिवारी जी के
बहुत बहुत धन्यवाद है। और चाहूंगा ये इन माता की पंक्तियों को आप सुने। माँ माँ सुना साधिकों की बच्चे की ढोलक सुनिए। रोक के बेटे रोक के बजाओ रोक के क्या बात है। हाँ अभी उम्र ही क्या है बच्चे की। क्या बात है बहुत सुंदर। अभी उम्र ही क्या है, अभी पूरे बाल नहीं जमे। अभी नहीं। बहुत सुंदर। अभी मंडल के बाद आइए माँ की वंदना को आगे बढ़ाते हुए कहना है माँ सुना साधिकों की तुम्ही साधना हो। सुना साधिकों की तुम्ही साधना हो। आराध्य देवी कब की आराधना हो। आराधना हो आराधना हो। और माँ माँ भव बाधा हरती माँ भव बाधा हरती माँ मन की भावना हो। विचित्र मन की भाव संभावना हो। तो माँ अखिल सृष्टि में कोई अखिल सृष्टि में कोई तुम साना सानी। अखिल सृष्टि में कोई तुम साना सानी। जय माँ भवानी जय माँ भवानी जय माँ भवानी जय माँ भवानी माता रानी के चरणों में। माँ माँ आ छोटू वाह वाह। अरदास माता मेरी तुम मान लेना। वेदना हृदय की माँ तुम जान लेना। अरदास माता मेरी तुम मान लेना। वेदना हृदय की माँ तुम जान लेना। क्यों क्यों भीड़ में भी साहसी को पहचान लेना। वीरावादिनी हर अज्ञान लेना। तुम अटल हो तुम्हारा कोई अटल हो तुम्हारा कोई कोई नशानी। अटल हो तुम्हारा नहीं कोई भी सानी। जय माँ भवानी जय माँ भवानी जय माँ भवानी।
और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं एक बार भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगा दे, क्योंकि सामने आपका ही मंदिर है। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये माताएं बहने उधर हाथ उठाने में थोड़ा कंजूसी कर रही हैं। अरे एक बार भगवान भोलेनाथ के नाम पर अपने हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल हो सकता है कि वो हाथों हाथ ले ले। बोलिए शंकर भगवान की जय। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, सबको जानकार। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आइए चलते हैं जवाबी की ओर। चूंकि कारण ये जवाबी हो क्यों रही है ये कारण हमको भी मालूम है और कोमल जी आपको भी मालूम होगा। हमारी स्वर्गीय माता श्री रामकली जिनका स्वर्गवास अभी हाल ही के दिनों में हुआ था 13 तारीख को, और जिनकी आज 13वीं का जो ये कार्यक्रम था ये संपन्न हुआ। वैसे तो मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं और इन 16 संस्कारों में एक संस्कार ये संस्कार माना जाता है, जिसको इस तिवारी परिवार ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया है। मैं चाहता हूँ तिवारी परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज के भी समय में कुछ लोग ऐसे पड़े हैं जो ऐसे भी कार्यक्रम को इस तरह से मनाते हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस तिवारी परिवार पर हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। तो आइए पहला गीत एक ऐसा गीत हो जो वाकई लगे कि उस गीत में स्वर्गीय माता श्री रामकली का भी आह्वान हो और जीवन की सच्चाई को भी छूते चले हम लोग। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। कोमल जी एक गीत लेकर चलते हुए, और इस गीत में कुछ भी नहीं है, बस इस जीवन की सत्यता को दिखाया गया है। सुनिए कि हम लोग ये मेरा है, ये मेरा है करते हैं, लेकिन जब भगवान का बुलावा आता है तो सब तेरा है कहकर चले जाते हैं। सही। मंडल के सभी लोग आ जाए मंच पे। हमारे लखनऊ से चलकर हम बच्चों की शान और शोभा बढ़ाने के लिए पधारे हुए हमारे राधे श्याम शुक्ला जी, उनके भी चरणों का मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा और पहला गीत दे रहा हूं, सुनिएगा। सुनिए कोमल जी, फिल्मी दुनिया वालों ने गाया क्या? अरे वो जुदा क्या हुए जिंदगी खो गई, क्या बात है। अब अरे थोड़ा रोक के बैठे, रोक के बजाओ। फिल्मी दुनिया वालों ने गाया। विजय भैया इस गीत को आप अलग करिएगा, क्योंकि हर गीत को अलग अलग भागों में बिल्कुल
विशील को आप रोक लें। वो जुदा 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 क्या हुए जिंदगी खो गई। और कोमल जी समा जलती रही रोशनी खो गई। बहुत कोशिशें की मगर दिल न बहला। बहुत कोशिशें की मगर दिल न बहला। कोई साज छेड़े कोई गीत गाए। कई साज छेड़े कई साज छेड़े कई साज गाए। कई साज छेड़े कई गीत गाए। वो जब याद आए वो जब याद आए गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने। गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। जब याद आए वो जब याद आए कोमल जी इधर फिल्मी दुनिया वालों ने कहा वो जब याद आए बहुत याद आए। लेकिन मेरा कहना है क्या सुनिएगा जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं ये शरीर ये मानव शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये मानव शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है तो कहना क्या है क्या? पांच तत्वों की ये क्या बात है बहुत सुंदर बहुत। कोमल जी पांच तत्वों की ये बनी काया है। पांच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। बिल्कुल पांच तत्वों से मिलकर बनी काया है। पांच तत्वों की यहां महामाया है। यहां महामाया है। यहां महामाया है। कोमल जी ये सांसों की डोरी इन्हीं पांच तत्वों को ही पंच परमेश्वर भी कहा जाता है। और ये पांच तत्व सभी को मालूम है छित जल पावक गगन समीरा और पांच तत्व से रचित शरीरा। तो कहना पड़ा है
ये सांसों की डोरी बंधी है उसी से, ये सांसों की डोरी बंधी है उसी से, न जाने ये डोरी कब टूट जाए। क्योंकि संसार में जो भी आया है दादा, जो भी आया है उसको जाना पड़ेगा, वो चाहे आज जाए चाहे कल जाए, लेकिन जाना तो सबको पड़ेगा ही। सही, ये बात सही है। तो ये सांसों की डोरी बंधी है उसी से, ये सांसों की डोरी बंधी है उसी से, न जाने ये डोरी कब टूट जाए। और कोमल जी, वो जब रूठ जाए, वो जब रूठ जाए तो सब छूट जाए। वो परमेश्वर जिस दिन रूठ जाता है, ये पांच तत्व में से एक तत्व जिस दिन रूठ जाता है तो सब कुछ छूट जाता है। इसलिए कहना है क्या, वो जब रूठ जाए सब छूट जाए, वो जब रूठ कोमल जी, एक नाम है भगवान। अब देखिए उसी भगवान में पांचों तत्व, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। यानी कहने का तात्पर्य है कि यही भगवान ही हमारे पांच तत्व हैं और यही पांच तत्व ही हमारे भगवान हैं। क्या बात, कबीर दास जी ने भी कहा है कि कबीरा गर्भ ना कीजिए ऊंचे देख आवाज, और काल परे भी लोटड़ा ऊपर जामे घास। तो ये सांसों की डोरी बंधी है उसी से, न जाने ये डोरी कब छूट जाए, वो जब रूठ जाए सब छूट जाए, वो जब रूठ जाए सब छूट जाए, वो जब रूठ जाए सब छूट जाए। गुरुजी, गीत में सिर्फ भाव को आप देखिएगा और जवाब बहुत बढ़िया आप निकालेंगे। कहना है पांच तत्वों में ही बच्चे की। कोमल जी, बहुत सारे कलाकार कहते हैं हमारे गीत में चौपाई आ रही है, ये आ रहा वो आ रहा है, सब बेकार। लेकिन यहाँ शुद्ध देखे कबीरदास के दोहे जो हमारे जीवन से संबंधित हैं। बिल्कुल, पांच तत्वों में ही भगवान का वास है, और अगर कहीं पांच तत्वों में एक तत्व हमारे शरीर से अलग हो जाए तो पांच तत्वों में ही ईश्वर का वास है, पांच में एक कम, अगर पांच में एक तत्व कम हो जाए हमारे शरीर से तो
पाच में एक कम बंद हो जाती सांस, पाचता तो में ही भगवान का है वास, पाच में एक कम बंद हो जाती सांस, बंद हो जाती सांस, बंद हो जाती सांस, तो ये पांचों की महिमा, ये पांचों की महिमा बंधी है उसी से, उसी परमात्मा से ये पांचों तत्व भी निर्मित है। ये पांचों की महिमा बंधी है उसी से, न जाने ये डोरी कब टूट जाए, न जाने ये डोरी, न जाने ये डोरी, न जाने ये डोरी कब छूट जाए, वो जब रूठ जाए सब छूट जाए, वो जब रूठ जाए सब छूट जाए, वो जब रूठ जाए सब छूट जाए। हमारे बजरंग दादा जो टू इन वन है, बहुत अच्छे रचनाकार भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और हारमोनियम के भी बहुत अच्छे वादन भी हैं, वादक भी हैं, अभी आप लोग सुनेंगे तो जान जाएंगे। अंतिम पंक्ति आप सुने, क्योंकि कबीर दास जी ने कहा है कि कबीरा गर्व ना कीजिए देही देख सुरंग, कबीरा गर्व ना कीजिए देही देख सुरंग, पिछड़िया मिलबो नहीं जो काचली भुजंग, ये शरीर एक दिन जलता है, एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, तो एक सैर पढ़ना चाहूंगा, और अगर ये सैर सभी लोगों पर लागू हो जाए तो आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। कहना है कि एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे, एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे, पैर हड्डी पर पड़ा तो हड्डी के ये बयान थे, अरे भाई संभल के चलना हम भी कभी इंसान थे। क्या बात, क्या बात, समझो चाचा, शाबाश। तो कहना अंतिम पंक्तियों में, पानी का बुलबुला सुनिए, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छोटू वाह वाह, अभी उम्र ही क्या बात है। अंतिम पंक्तियों में कोमल जी, पानी का बुलबुला ये है मानो का तन, इस शरीर को न जाने कितने लोगों ने उपमाएं दी, बिल्कुल, किसी ने इसको कच्चा घड़ा बताया है, किसी ने इसको पानी का बुलबुला बताया है, किसी ने इसने सांप की केंचुल को बताया है, किसी ने तमाम तरह के उदाहरण दिए, इसलिए कहना है पानी का बुलबुला ये है मानो का तन, और ये मानो चार पैसों के खातिर, बिल्कुल, चार पैसों के खातिर आदमी जाता तन, क्या
चार पैसों के खातिर यही मनुष्य तन भी जाता है, जबकि उसको मालूम है कि ये चार पैसे, ये मोह माया हमारे काम नहीं आएगी, फिर भी सही बात। चार पानी का बुलबुला ये है मानव का तन, चार पैसों के खातिर आदमी जाता तन, आदमी जाता तन। तो चार दिन की चांदनी, कोमल जी ये बात सही है, चार दिन की चांदनी होती उसी से, चार दिन की चांदनी होती उसी से, न जाने ये डोरी कब छूट जाए, वो जब रूठ जाए तो सब छूट जाए, वो जब रूठ जाए सब छूट जाए, वो जब रूठ जाए वो जब रूठ जाए तो सब छूट जा। बोल सच्चे दरबार की जय।